इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर घूमने निकली एक महिला के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने सर पर लोहे की रोड मारने के बाद उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसीपी राजीव भदौरिया के अनुसार एरोड्रम थाना क्षेत्र के संगम नगर इलाके में कमला तिवारी, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, जो कि वृद्ध है, महिला अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके सर पर लोहे की रोड से मारा। गंभीर चोट लगने के बाद महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। महिला काफी वृद्ध है, इस कारण से वह बेहोश हो गई। कुछ चश्मदीदों ने जैसे ही महिला को गंभीर अवस्था में देखा, तुरंत 108 को सूचना दी। महिला को MY अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके के CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस महिला का मेडिकल भी करवा रही है, क्योंकि पुलिस को कुछ अन्य अनहोनी घटना की भी आशंका है। वहीं पुलिस इलाके में घटना के सबूत भी जुटाने में लगी हुई है। क्या जानकारी मिली सर पुलिस को? दरअसल यह घटनाक्रम थाना एरोड्रम के स्कीम 155 क्षेत्र का है, जहाँ के आज सुबह लगभग 4:45 बजे के आसपास एक लगभग 60-65 वर्ष की यह महिला, जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उसके बाद जब वो घर नहीं पहुँची और इसी दौरान एक अन्य मॉर्निंग वॉकर के द्वारा यह खबर दी गई कि वक्त महिला चोटिल अवस्था में रोड के किनारे कुछ दूर जो खाली प्लॉट है उसमें वो पड़ी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने उस मौके पर पहुंचकर महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया है। उसके सिर में और चेहरे पर चोटें हैं, अभी वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, इसलिए यह नहीं स्पष्ट हो सका कि वस्तुतः क्या घटनाक्रम हुआ था। लेकिन जैसा कि अभी तक प्रारंभिक जाँच में जो फैक्ट आए हैं उसके अनुसार महिला के साथ किसी के द्वारा हमला उसके ऊपर किया गया है। हमला करने का उद्देश्य क्या था, नियत क्या थी, ये अभी जांच का विषय है। प्रकरण अभी जांच में है। जैसे ही महिला होश में आएगी उनका कथन लिया जाएगा। उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है, CCTV फुटेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शाम तक हम इसमें कंक्लूजन पर पहुँच सकें। सर, क्या नाम है? ये महिला स्कीम 51 की रहने वाली हैं और मिसेस तिवारी हैं। मैं उनका पूरा नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उनकी उम्र लगभग 60-65 वर्ष की है और वो डेली मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। अब वहाँ पर घटना स्थल पर हुआ क्या क्या है, इसके संबंध में फैक्ट फाइंडिंग अभी होना बाकी है। यह है, जैसा कि आपने कहा कि कोई अन्य कारण हो सकता है लूट इत्यादि का, कोई नियत होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अन्य कोई असॉल्ट, किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, ऐसी भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो तथ्यात्मक जानकारी है उसके अनुसार उन पर हमला कर चोटें पहुंचाई गई हैं, उद्देश्य स्पष्ट अभी नहीं। सर, कहां पे उसको मारा है और क्या उसके शरीर से जो ज्वेलरी थी या मंगलसूत्र? ब्यूरो रिपोर्ट।